हाँ, गुड मॉर्निंग उमा दीदी, आवाज आ रहा है? यस भैया। तो आज हम योग की शुरुआत प्राणायाम से करते हैं। जब साधना करते हैं तो साधना में सारी चीज मिक्स होनी चाहिए थोड़ी, यानी जैसे योग होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तो ये सब आसन होने चाहिए, ये सब मिला के साधना होती है। जैसे अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ऋषि कहते ना, ये यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, तो ये सब होता है तब योग होता है। तो आज हम प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। आप सबको कपालभाति प्राणायाम पता ही होगा, अगर पता ना हो एक थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कपालभाति क्या है। कपालभाति में हमें क्या करना है, सांस भरना है, पेट को फुलाना है। सांस भरेंगे जैसे गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूलता है, वैसे ही हम अंदर सांस भरेंगे पेट थोड़ा बाहर आएगा, और फिर जब हम सांस छोड़ेंगे, जैसे गुब्बारा का हवा निकाल दिया तो गुब्बारा सिकुड़ जाता है, सांस छोड़ा पेट भीतर चले जाएगा। तो इस तरह से दोनों हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर खुली हुई रखे और सांस भरे, पेट फुलाए, और सांस छोड़े, पेट अंदर, फिर से सांस भरे, पेट फुलाए, सांस छोड़े, पेट अंदर। तो ये रिदम के साथ करेंगे, सब लोग एक साथ करेंगे, अपना अपना नहीं करेंगे। इन सांस भरे, आउट, इन 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 और विश्राम करें। अब हम उसी तरह से दूसरा राउंड कपालभाति करेंगे। सांस भरेंगे, पेट भी फुलाए, सांस छोड़े, इन 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 और विश्वास।
अक्सर बहुत बार लोग गलतियां करते हैं, एक कंधों को ऊपर उठाते नीचे रखते ऊपर नीचे, पर हम देखिए या कंधों से कोई संबंध नहीं। ये तीसरा और आखिरी राउंड करेंगे, अगर आपको डाउट हो तो आंखें खोल के भी कर सकते हैं आप। सांस भरे, पेट फुलाए, सांस छोड़े, इन 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 और विश्राम। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम हो गया। फिर इसके बाद आज हम एक प्राणायाम इसमें ऐड करेंगे और जिसको कहते हैं अग्निसार प्राणायाम। तो अग्निसार प्राणायाम में दोनों घुटनों पे ऐसे हाथ रख दे और सांस भरते भरते गर्दन को पीछे ले जाए। पहले एक बार मुझे देख लीजिए, ऐसे पूरा सांस भर लिया, पीछे गए और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुकना। ये पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ दिया, फिर सांस को बाहर ही रखना और थोड़ी को ऐसे सीने से लगा के ऊपर आ जाना। अब यहां लॉक हो गया, सांस बाहर है। सांस बाहर रहने के कारण कोई आवाज ही नहीं आएगा सांसों का, और सिर्फ पेट को ऐसे अंदर बाहर। कब तक करना है? जब तक आपको लगे बस। बस होने के बाद आपका पहला काम रहेगा गर्दन को ऊपर उठाना और सांस को भीतर भरना। पहले से ही अगर आपने सांस भर के और ऐसे कर रहे हैं तो गलत है। तो एक साथ करते हैं, दोनों हथेलियां घुटनों पे, आंखें खुली रखिए। हाँ, कुछ लोग वीडियो ऑन नहीं, वीडियो ऑन कर दीजिए। फिर सांस भरते भरते पीछे जाए, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुके। पूरी तरह से सांस बाहर छोड़े, थोड़ी को सीने से लगाए ऐसे, सांस बाहर है और अब पेट अंदर बार करते हैं। और जब आपको लगे बस, गर्दन ऊपर उठाना, सांस भरना। विश्राम। फिर से एक बार सांस भरते भरते पीछे जाए और एक बार करते हैं, पूरी तरह से सांस भरे, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुके। पूरा सांस छोड़ दे, थोड़ी को सीने से लगाए और पेट अंदर बार करे। और विश्राम। अब तीसरा और आखिरी बार, फिर से हथेलियां घुटनों पे, सांस भरते भरते पीछे गए, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुके।
थोड़ी को सीने से लगाए, ऊपर आए, पेट अंदर बार करे। और विश्वास, एक और सांस ले और छोड़े। फिर से एक और सांस ले छोड़े। और हम तीसरा एक और प्राणायाम करते हैं जिसको कहते हैं भ्रमरी प्राणायाम, पर ये षण्मुखी मुद्रा के साथ करना है। षण्मुखी मुद्रा के लिए क्या करेंगे, ये दोनों हथेलियां इस तरह से ले जाते हैं, सबसे छोटी उंगली जो है होठों के नीचे रखें, उसके ऊपर की उंगली नाक के पास, फिर उसके ऊपर की उंगली आंख और नाक आखिरी छोर पे नाक के, फिर भुवों पे, और अंगूठा जो है कान के पास यहाँ पे हल्का सा इस हड्डी पे रखे, और ये दोनों कोनिया ऐसी सीधी करे। तीन पॉइंट्स को हल्का हल्का सा दबाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, सांस भरे और इन पॉइंट्स को दबाते हुए हल्का भ्रमर जैसे आवाज करे। फिर से एक बार सांस भरे। और एक बार सांस भरिए। सांस भरिए। और एक बार सांस भरे। और विश्राम करें। एक और सांस ले और छोड़े। धीरे से आपका राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे रखिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सॉरी हाथ धीरे छोड़े, दोनों हाथ शेक करें, शेक करें। आपका लेफ्ट हैंड राइट घुटने पे रखे, राइट हैंड सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते छोड़ते जमीन की ओर आ जाए, फिर ऊपर आए, राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हैंड सांस भरते भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए बाजू कान से हाथ जमीन की ओर। एक दो, एक दो, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, एक दो, और ऊपर आए, विश्राम। एक हाथ आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऊपर हाथ नाभि के नीचे, ऊपर हाथ
और ऊपर और विश्राम, एक और सांस ले छोड़े। अब आपका राइट हैंड सांस, राइट हैंड ऊपर उठाए, लेफ्ट कंधे पे रखे ऐसे, लेफ्ट हैंड पीछे, कमर को दबाए और सीधा करें लेफ्ट हैंड से, गर्दन राइट कंधे की ओर पीछे, सांस ले छोड़े। फिर आपका राइट हैंड कमर के पीछे, राइट हैंड से सपोर्ट देते हुए रीढ़ की हड्डी को और सीधा करें, लेफ्ट हैंड राइट कंधे पर, लेफ्ट हैंड से राइट कंधा थोड़ा आगे खींचे, गर्दन पीछे, सांसें ले छोड़े। फिर एक ऐसे ही, दो, एक पीछे, दो, एक दो, और विश्राम। दोनों पैरों को लंबा कर दे, दोनों हाथ ऐसे नमस्कार की स्थिति में, पीठ को सीधा करें और सांस भरते हुए अपना राइट लेग ऊपर उठाए ऐसे, सांस छोड़ते नीचे, पूरा जमीन को नहीं लगाएगी, हाथ और पैर थोड़ा नीचे। अब लेफ्ट लेग पूरा और दोनों हाथे ऐसे सांस भरते छोड़ते, और विश्राम, एक और सांस ले छोड़े। अब ये दोनों हाथ सांस भरते भरते ऊपर, सीधे ऊपर, बाजू कान से सटी हुई, पैर लंबे, सांस ले छोड़े, सात सांसें लेते जाना छोड़ते जाना। सांस भरे और सांस छोड़ते छोड़ते ये दोनों पैर पकड़ ले, माथा घुटने के करीब, सांसें ले छोड़े, जितना हो सके नीचे झुके। आप एक पोजीशन में स्थिर हो जाए, फिर ना नीचे झुकने की कोशिश करें ना ऊपर उठने की कोशिश करें, जितना भी हो सकता है आपसे, और लंबी गहरी सांसें ले छोड़े। और सांस भरते भरते ऊपर आए, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, एक और सांस लीजिए और छोड़े। अभी अपने दोनों हाथ ऐसे पीछे रख दे कमर के पीछे, हथेलियों को हथेलियों पे जोर दे, ये मेरी हाथ की कोनी अभी मुड़ी हुई है उसको सीधा करे जैसे अपनी, और हाथों पे जोर दे, दबाए हाथों को, कमर को ऊपर उठाए, उठाए कमर को ऊपर,
पैरों को थोड़ा आगे ले जाए और पैर के पंजे जमीन की ओर जैसे, गर्दन पीछे, ऐसे ही रुके और सात सांसें लीजिए छोड़िए। और विश्राम, एक और सांस ले और छोड़े, सांस भरिए, भूलना नहीं, सांस भरे और छोड़े। अब धीरे से पीठ के बल लेट जाए, ऐसे लेटे, दोनों हथेलियां एक दूसरे में मिला दे, सिर के नीचे रखे, आपका राइट पैर ऐसे घुटने में मोड़े, लेफ्ट पैर सीधा रखे, फिर उसके बाद लेफ्ट मोड़े, राइट सीधा, और अब गर्दन को ऊपर उठाए, अपने हाथ की राइट कुनी लेफ्ट घुटने को लगाए, फिर लेफ्ट घुटना सीधा, राइट, इसे एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, और विश्राम। अगर किसी किसी का हाथ की कोनी घुटने को नहीं लग रही हो, बीच में पेट आ रहा हो, तो भी खुश हो जाना, हम बहुत अमीर है, बड़े पेट वाले। सांस ले और छोड़े। फिर से एक बार साइकिलिंग करते, ऐसे एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक, अब रिवर्स, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू, और विश्राम। एक सांस ले छोड़े। अब ये दोनों हथेलियां साइड में ले जाए, दोनों हथेलियां ऐसे दूर, भगवान दूर करे दोनों हथेलियां, यीशु ख्रिस्त जैसे दोनों हथेलियां दूर, ऐसे एक दूसरे से दूर रखे और दोनों पैर घुटनों में मोड़े, और अब आपका राइट पैर ये देखिए पूरी तरह से ऐसे जमीन पे रखे, और ये लेफ्ट पैर जो है घुटना राइट पैर पर रखिए, गर्दन दूसरी ओर। ये हमने क्या किया, कमर से नीचे का भाग एक ओर ट्विस्ट किया, कमर से ऊपर का भाग दूसरी ओर ट्विस्ट किया। सांस ले छोड़े। फिर सांस भरते भरते ऊपर, दूसरी ओर, दूसरा घुटना जमीन पे और दूसरे पैर का घुटना जो पैर जमीन पे है उसी पैर पर। सांसें ले छोड़े। अब राइट साइड, लेफ्ट साइड, शरीर में तनाव भर जाता है योग और सांस लेने से, योग में
तनाव निकल जाता है। इसलिए कल मुझे 4-5 लोगों के फोन आए, मेरा पीठ दर्द ठीक हो गया, मेरा ये दर्द ठीक हो गया। हम तो कभी, गुरुदेव ने कहा बोलो भी मत, कुछ बोलते भी नहीं, पर जब आप अपने और ध्यान देते हैं तो पता चलने लग जाता है कैसे स्फूर्ति आती है, कैसे अच्छा लगता है। एक और सांस ले, छोड़े, दोनों पैरों को लंबा रखे ऐसे। अब ये दोनों हाथ ऊपर उठाए सिर के पास सीधे, और आपका राइट पैर ऊपर उठाए 1.5 फीट। अब दोनों हाथों को भी सांस भरते भरते ऊपर उठाए, और ये दोनों हाथों के बीच में ये पैर, सांस ले छोड़े, गर्दन भी ऊपर उठी है, सांसें भूले नहीं। और विश्वास नीचे, अब फिर से एक बार सांस भरे, ये लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर उठाए 1.5 फीट, दोनों हाथ सिर के पीछे है, सांस भरते भरते गर्दन ऊपर, दोनों हाथों के बीच में ये घुटना पैर, सांसें ले छोड़े। और विश्वास, एक और सांस ले छोड़े। अब दोनों पैरों को कमर के पास ले आए, दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस, और ये दोनों हथेलियां एक दूसरे में मिलाए ऐसी, कमर के नीचे रखे। और अब क्या करना है, ये पूरे हाथ पे और कंधों पे और सर के पीछे ऐसे जमीन से इनको दबाए और शरीर को ऊपर उठाए, ऊपर ऊपर, कमर ऊपर, पीठ ऊपर, कंधों का थोड़ा भाग ऊपर, और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। अब ये दोनों हथेलियां ऐसी बाहर रखे कमर के पास, हथेलियां जमीन पर, फिर से एक बार हथेलियों पे जोर दे, कमर को ऊपर उठाए, पीठ को ऊपर उठाए, कंधे को ऊपर उठाए, सांस भरे और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। और एक बार कमर ऊपर, पीठ ऊपर 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 और नीचे। अब धीरे से दोनों उंगलियां एक दूसरे में मिलाए, अभी जो किया था वैसे, फिर कमर ऊपर, पीठ ऊपर, कंधे ऊपर, और अब इस पोजीशन में 7 सांसें ले छोड़े। और विश्वास, फिर से दोनों पैरों को लंबा करें, एक और सांस ले छोड़े। अब धीरे से आपका राइट पैर घुटने में मोड़े, दोनों उंगलियां एक दूसरे में मिलाए, घुटना छाती की ओर लगाए, और अपना नाक घुटने की ओर ले जाए, सांसें ले छोड़े।
और विशाल, अब आपका लेफ्ट पैर घुटने में मोड़े, दोनों उंगलियों से छाती की ओर दबाए, धीरे से आपका नाक जितना हो सके घुटने के पास, सांसें ले छोड़े। विश्राम, अब उसी तरह से दोनों पैर घुटनों में मोड़े, छाती की ओर लाए, नाक दोनों घुटनों के बीच में, जहां तक आप जा सकते जाइए, स्थिर हो जाइए, सांसें ले छोड़े। और विश्राम, एक और सांस लें और छोड़े। और फिर से एक बार ये दोनों हाथ सर के पीछे से सीधे रखिए, सांस भरे और छोड़े। अब सांस भरते भरते दोनों पैरों को ऊपर उठाए, गर्दन भी ऊपर, कमर पे बैलेंस करें, नौकासन, दोनों पैर ऊपर है, दोनों हाथ ऊपर है, शरीर कमर पे बैलेंस कर रहा है, सांस ले छोड़े। और विश्राम, एक और सांस लें और छोड़े। ढीला छोड़ दे शरीर को, हाथों को ढीला छोड़ दे, शरीर को ढीला छोड़ दे, सांस भरे और भ्रामरी करते हैं, और एक सांस भरे, आंखें बंद रखे और एक और सांस ले, एक और बार सांस भरे, आंखें बंद रखते हुए ही धीरे से बैठ जाते हैं, बाया हाथ चिन मुद्रा, ऐसे ये चिन मुद्रा, दाएं हाथ की दो उंगलियां दोनों भुवों के बीच, अंगूठा दाएं नासिका पे, बाकी की उंगलियां बाएं नासिका पे, आंखें बंद रखिए
और नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। और ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब तक योग के बाद थोड़ा ध्यान नहीं होता तो योग पूर्ण होता ही नहीं है, वो अधूरा किया आपने। इसलिए योग होने के बाद थोड़ी देर विश्राम करना ही चाहिए, ध्यान होना ही चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, एक नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से लेना, पहले से छोड़ना, ऐसे चलते रहिए। और विश्राम करें। ये हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर खुली हुई, ये जो योग के बाद 5-7 मिनट हम विश्राम करते ये बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमें ध्यान करना ही है योग के बाद। अगर ये नहीं किया तो अधूरा रह गया। हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर खुली हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी और एक लंबी गहरी सांस ले छोड़े और एक हल्की लंबी सांस ले छोड़े। हमारे साथ आप 3 बार ओम बोल सकते हो, सांस भरे आंखें बंद रखते हुए ओम का चांत करेंगे। ओम
फिर से एक बार सांस भरे, ओ और एक बार सांस भरिए, ओ विश्राम करें। इस पल कुछ भी नहीं करे, केवल अपने आप के साथ विश्राम करे। ध्यान सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा है। विश्राम करें। आस पास जो कुछ हो रहा है उसे चलने दे, आप अपने आप में विश्राम करें। अनुभव करें ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से,
इस वक्त इस समय आपका शरीर शुद्ध हो रहा है। आपका शरीर शुद्ध हो रहा है। और इसी प्रसन्न भाव के साथ लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े। मन ही मन कृतज्ञता का भाव जिनके प्रति आपके मन में आदर है, ईश्वर गुरु कोई भी हो सकता है, ये ज्ञान साधना मन में कृतज्ञता का भाव, हाथ नमस्कार की स्थिति में सभी लोग प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोले। अच्छा रहा? वाह गुड। देखो थोड़े ही समय में हमने प्राणायाम भी किया, आसन भी किया, ध्यान भी किया, दोनों तीनों, और थोड़ा ज्ञान की भी बातें। तो ये जो है ना योग करने से क्या होता है, अभी दो मिनट के लिए आप सभी लोग मेरी ओर देखिए, मेरी ओर सामने सामने। हाँ, योग करने से क्या होता है, हम अक्सर हर समय दृश्य में उलझे हुए होते हैं। और योग क्या करता है, दृश्य से हटके दृष्टा के भीतर, अपने आप के भीतर हम लौट आते हैं। फिर जब हम हमारे भीतर आ जाते हैं तो अनंत शक्ति, श्रद्धा, ये सब अपने भीतर आने लगता है। तो योग का कार्य ही है दृश्य से हटके दृष्टा के भीतर आ जाना। कोई पूछ रहा है मुद्राएं वगैरह, हाँ धीरे धीरे आपको ये सब बताएंगे। आगे ऐसा भी करेंगे हम, चाहे तो चार पांच दिन आप लोग कहेंगे तो, कई लोगों का डिमांड भी है तो एक योगा का कोर्स करेंगे, उसमें और डिटेल भी बात करेंगे, जिसमें हमें सबको थोड़ा समय में सब कुछ मैनेज करना है, इसलिए ज्यादा हम बात भी नहीं कर सकते। और किसी को कुछ बोलना है? वेरी नाइस, सारे कमेंट आ रहे, देखो यू गाइड सो वेल, थैंक यू, खूब छान सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, थैंक यू, जय गुरुदेव। वाह संगीता दीदी, गुंजाल, वर्षा दीदी, शेयर योर नंबर प्लीज। मेरे नंबर के बारे में दीदी, यहाँ आप जिस ग्रुप में ज्वाइन हो वहां के सारे एडमिन्स को किसी को भी मैसेज दे दिया आपने,
तो भी वो बोल देंगे। फिर भी अगर आपके पास पेन हो तो अभी नोट डाउन कर सकते हो। किसी को कुछ बोलना है? बढ़िया सेशन, जय गुरुदेव। देखो आपके कमेंट देख के हमें भी अच्छा लगता है। ये महाराष्ट्र मेडिटेट की जो टीम है ना, इन्होंने देखो आपके लिए अलग 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 कितने सारे प्रोग्राम्स लेके आए, कभी योगा का, कभी मेडिटेशन का, कभी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके टॉक्स, ये वो। सारी टीम ने भी बहुत बढ़िया हमें जोड़ के रखा। किसी को कुछ बोलना है हाथ उठा सकते हैं। गुरु प्रसाद, वाव, एक्सलेंट सेशन भैया, थैंक यू, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू, धन्यवाद, जय गुरुदेव। हाँ, हाथ उठाया किसी ने? उमा दीदी, विजय खंडेलवाल भैया, वेरी नाइस, फ्रेश लाइफ, वाव, जय गुरुदेव भैया। हाथ उठाया है किसी ने? उमा दीदी, उमा दीदी, किसी ने हाथ उठाया है बोलने के लिए? उमा दीदी, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि कंटिन्यूटी प्राणायाम अगर नहीं होता है, बीच में कभी बाय चांस रुकावट आती है तो शरीर बहुत थकता है और मन में बहुत ही मतलब निगेटिविटी आ जाती है और डिप्रेशन के जैसे लगता है कि भाई कुछ बीमारी, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने योगा से ही अपना शरीर ठीक किया है, स्लिप डिस्क प्रॉब्लम वगैरह, बैक पेन बहुत दिक्कत थी, मैं चल भी नहीं रही थी घर के अंदर ही सीजरिंग के बाद, लेकिन थोड़ा आपने, भी हाँ। आपने ही बोल दिया ना, अगर वो प्रैक्टिस छूट गई तो ऐसा हो जाता है, बस प्रैक्टिस छोड़ना नहीं, आंसर भी आपने ही दे दिया। कभी कभी समय मिले आगे पीछे भी कर लेना, पर छोड़ना नहीं, ठीक है। अपना समय पूरा हो गया, 5-2 मिनट ज्यादा हो गए, हम समय पे शुरू करते हैं तो ठीक है। सबको बाय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उमा दीदी कुछ है? नहीं भैया, ऑल गुड। ओके, करिए दीदी फिर मीटिंग, कल मिल